नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम पाइनएप्पल हलवा बनाएंगे। ये हलवा एकदम अलग स्वाद में बनता है। इसे हम किसी भी स्पेशल ओकेजन पर बना सकते हैं, या फिर किसी भी पार्टी के लिए बना सकते हैं, या फिर कुछ एकदम अलग अच्छा सा हलवा खाना है तब हम इसे बना सकते हैं। तो आइए पाइनएप्पल हलवा बनाना शुरू करते हैं। पाइनएप्पल हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी भूनकर तैयार करेंगे। तो ये पैन हमने ले लिया है, गैस ऑन कर देते हैं और ये हमने आधा कप ऊपर तक भरी हुई सूजी ली है, इसे हम भूनेंगे। घी कढ़ाई में डालेंगे और मेल्ट होने देंगे। थोड़ा सा घी हम बचा के रखेंगे जिसको हम बाद में यूज करेंगे। घी मेल्ट होने के बाद सूजी डालेंगे पैन में और लगातार चलाते हुए सूजी को अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस मीडियम रखेंगे और सूजी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। सूजी से घी भी अलग हो रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है। सूजी भून गई है हमारी। सूजी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो गैस हम बंद कर देते हैं और अब हम कढ़ाई में पाइनएप्पल के साथ में सिरप बनाएंगे हलवे के लिए। तो ये हमने पाइनएप्पल लिया है, एक प्याली में हमने इसे बारीक काट करके रखा है, इसे हम पीसेस में ही यूज करेंगे। और दूसरी प्याली में थोड़ा सा हमने मोटा मोटा काटा है, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। पाइनएप्पल के पीसेस हम जार में डाल देंगे और बारीक पीस लेंगे। ये पाइनएप्पल हमने पीस कर तैयार कर लिया। पाइनएप्पल का पेस्ट हम पैन में डालेंगे, गैस ऑन कर देते हैं और चीनी हम पेस्ट में डालेंगे और इसको हम चीनी के घुलने तक पकाएंगे। ये हमने आधा कप चीनी लिया है, 125 ग्राम चीनी है। ये पीसेस भी जो हमने पाइनएप्पल के बारीक काट के रखे थे वो भी हम इसी में डाल देंगे। इन्हें हम चीनी के घुलने तक और पाइनएप्पल के टुकड़ों के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। चीनी पूरी तरीके से घुल गई है और पाइनएप्पल के पीसेस भी पक गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और ये सूजी भी डाल देंगे इसमें और इसको हम धीमी आंच पर सूजी के फूलने तक पकने देते हैं। ये हमने पूरे 3-4 मिनट तक हलवे को बिल्कुल धीमी गैस पर पकाया है। सूजी फूल गई है, इसे हम चलाते हैं, गैस थोड़ी सी तेज कर देते हैं, मीडियम कर देते हैं। और हलवे में हम ये ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। हमने 10-12 बादाम काट करके ले लिए थे और 10-12 काजू काट करके ले लिए थे। ये हम हलवे में डाल देते हैं और थोड़े से काजू बादाम हम बचा लेते हैं जो हम हलवे की गार्निश के काम में लेंगे। और ये इलायची का पाउडर ये भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और हलवे को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हलवा बनकर तैयार है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। हलवे में ऊपर से डाला हुआ घी बहुत अच्छा लगता है। मिक्स कर देते हैं और हलवे को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देंगे। हलवे के ऊपर हम और 1 चम्मच घी डाल देंगे। हलवे के ऊपर तैरता हुआ घी बहुत अच्छा लगता है और हलवे के स्वाद को भी बढ़ाता है। और अब हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम, थोड़े से पिस्ते भी डाल देते हैं हम। पाइनएप्पल हलवा बनकर खाने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छा हलवा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इतना हलवा परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। हमने पाइनएप्पल हलवा बिना कलर के बनाया है, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा 1/2 इंच येलो फूड कलर डाल सकते हैं, उससे हलवे का कलर और ज़्यादा अच्छा आएगा। और पाइनएप्पल हलवा को फ्रिज में रखकर पूरे 4-5 दिन तक खाया जा सकता है। तो आप ये हलवा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए।
एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।